नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सब कुछ मिलेगा में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं खास तौर पे डिफेंस सिक्योरिटी कोर्प्स के जवानों तथा JSU के लिए बनाई है। दोस्तों, इसमें अगर दोस्तों अगर आप DSC के JSU जहाँ जवान है या रिटायरी है, दोस्तों इस वीडियो को अंत तक धैर्य के साथ देखिए कि मैं आपको ऐसी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ दोस्तों जो आपके आने वाले समय में बहुत काम की होगी और आज भी आपके काम की हो सकती है। दोस्तों दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो आप रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें दोस्तों और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों। जो हम इससे होगा क्या, हम आने वाले समय में दोस्तों जानकारी वाली वीडियो देते रहेंगे और आपको मिल पाएगी जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा इनबॉक्स में और आप देख पाएंगे हमारी वीडियो जो हम आने वाले समय बनाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों कई लोगों के मन में दोस्तों ये सवाल होता है, DSC में तनख्वाह कम है, कितनी कम है? पहले तो मैं उतना क्लैरिफिकेशन करूंगा। और जो डायरेक्ट JSU की एंट्री है और जो डिपार्टमेंट से प्रमोट होकर बने, उनका पेमेंट का काफ़ी वेरिएशन है। काफ़ी सारे मेरे को कमेंट आते हैं दोस्तों, आपके मन में भी कोई शक जन सवाल होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अभी बेसिक जानकारी ये देना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारी जवानों की जो पेमेंट है आर्मी से आज के 7th CPC में कोई फ़र्क नहीं है। जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होकर JSU प्रमोट होके आए हैं और डायरेक्ट एंट्री JSU, उनका सैलरी में काफ़ी वेरिएशन है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वेरिएशन है। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं, अभी आपका जो मैं ले चलता हूँ, पीछे ले चलता हूँ, जो JSU के लिए है। अभी JSU की जो प्रमोट हुए हैं डिपार्टमेंटल, उनकी प्रमोशन होने के बाद कम क्यों है और डायरेक्ट एंट्री वाले नए सूबेदार की क्यों ज़्यादा क्या है, मैं बता देता हूँ। दोस्तों आपको पता है जैसे 5th पे कमीशन जो 96 के बाद जो और 2006 के बीच में 5th पे कमीशन था, उसमें आपको मालूम होगा तीन ग्रुप थे, A, B, C। तो जो आज जो DSC है दोस्तों, आपको पता है वो डी ग्रुप में आती थी, मतलब कि ट्रेड्समैन की सैलरी मिलती थी। उस टाइम की आपकी बेसिक पे कम थी, आपको इंक्रीमेंट जो 3% मिलता था एनुअल इंक्रीमेंट, वो कम था। उसके बाद आपको मालूम जैसे जानते हो कि उसके बाद 6th पे कमीशन लागू हो गया और फिर तीन ग्रुप बन गए, X, Y और Z। तो दोस्तों 6th पे कमीशन में हमारे को जो DSC के जवानों को है, उनको भी इसके अंदर ट्रेडमैन की सैलरी से हटा के ग्रुप वाई में ले आए और मिनिमम जो पेमेंट थी दोस्तों वो 6460 यानी कि 6460 फिक्स कर दी गई। तो उन्होंने उस टाइम के जो कितने काफ़ी सारे इंक्रीमेंट लगे होंगे 10-10 साल सर्विस वालों की भी, उनकी 6460 से फिक्स होगी। और उसके बाद 7th पे कमीशन आ गया और उसके बाद जो 7th पे कमीशन आ गया, तो पे कमीशन आने से भी हम उसमें जो DSC के जवान है वाई ग्रुप में रहे और रुपये 2.5 से जो मल्टीप्लाई हुआ जो आपकी बेसिक पे का दोस्तों, उसके हिसाब से सैलरी आपकी फ़िक्स होनी थी। मगर जो डायरेक्ट JSU एंट्री आते हैं डिपार्टमेंटल से जो प्रमोशन होते हैं, उनका तो ये फार्मूला था मैंने जो बता दिया है, डायरेक्ट एंट्री के लिए मिनिमम पे फिक्स कर रखी है। मगर जो डिपार्टमेंट से प्रमोशन हो के आके इंक्रीमेंट लगा के लग लग के आए हैं, तो उनका और डायरेक्ट एंट्री JSU का काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। 2-3 हज़ार रुपये ये ज़्यादा ले रहे हैं दोस्तों, मगर उनकी काम आ रही है। ये सिर्फ पे कमीशन के और आप रेगुलर सर्विस कर रहे हो DSC में, उसकी वजह से आपकी जो तनख्वाह थोड़ी सी कम आती है। तो दोस्तों ये तो मेन प्रॉब्लम थी जो JSU की एंट्री पे में डायरेक्ट JSU की ज़्यादा है और जो प्रमोशन डिपार्टमेंट और प्रमोशन होते हैं उनका, पहले उनकी जो डी ग्रेड की मतलब के 4th क्लास के कर्मचारियों की सैलरी थी, उसके बाद 6th पे कमीशन में आपका जो पेमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा, आपकी 6460 जो कि नए भर्ती होने के जवान के बराबर होगी, क्योंकि आपके जो 10 साल पहले आपने लगाए होंगे वो ऐसे ही चले गए। उसके बाद 7th पे कमीशन में जो आपकी बेसिक पे को मल्टीप्लाई किया है 2.57 से, इस वजह से आपकी जो सैलरी है उसी हिसाब से इंक्रीमेंट आपका मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को फिक्स किया है। और जो डायरेक्ट एंट्री है उसका मिनिमम ऑलरेडी इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ है। ये तो था JSU की सैलरी में वेरिएशन। अभी मैं जवान की बात करूँगा, जो जवान की सैलरी में क्या वेरिएशन है, जवान की सैलरी में कोई वेरिएशन नहीं है। जवान की सैलरी जो अभी 21,700 से स्टार्ट है, 5,200 रुपया मिलिट्री सर्विस पे है और सिर्फ क्लासिफिकेशन पे जो कि एक नए रिक्रूट को 100 रुपये का फ़र्क पड़ता है टोटली आर्मी और DSC के जवान के बराबर। दोस्तों यही इतना सिर्फ गैप है। आपके मन में ये कोई कोई शक सवाल है तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टाइम निकाल के पक्का रिप्लाई करूँगा। ये जानकारी अच्छी लगे दोस्तों अपने दोस्त के साथ, अपने JSU साहब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके।
और दोस्तों ये कोई भी आधिकारिक आपके ऊपर या ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं, आप सोचो कि डॉक्यूमेंट्री है कोई किसी के ऊपर क्लेम कर दो तो ये आपका ये और इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर जाते जाते लाइक बटन दबा दें तो हमें खुशी मिलेगी, आपके लिए और जानकारी वाली वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे।